डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। मैं ये पूछ रहा था सैयदा फातिमा जी, ये आप लोगों को ये बात पता कहाँ से चलती है कि औरतें जंग लड़ने आती थी फिर उनको पकड़ा जाता था? जहाँ से आपको पता चली है? हमें जहाँ से पता चली, हमें वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया ना, क्योंकि हम भी आंखें हैं, हमारे पास दिखना चाहिए था। जैसे कि मान लो मैं बात करूं कबीला बनू मुस्तलिक की, कबीला बनू कुरेजा की, इनके तो कबीलों पे जाके अटैक किया गया, यानी वो कहीं किसी से लड़ने नहीं आए थे, उनके कबीलों पे जाके अटैक किया गया। जाकर अटैक किया गया तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ कोई मुआहिदा तर्क नहीं हुआ? बात तो सुनो, मुआहिदे भी मर्दों के बीच में हुआ करते थे। जी जी हाँ, मुआहिदे भी मर्दों के बीच में हुआ करते थे और जंगे भी मर्दों के ही बीच में हुआ करती थी। पर ये मुसलमानों के लिए था, काफिरों के लिए ऐसा कुछ नहीं था? काफिर अपने मर्दों को औरतों को भी इन्वॉल्व किया करते थे। आपको आपको अपनी किताबों में ये तो मिलेगा ना कि हाँ उनके कबीलों पे जाके अचानक अटैक किया गया है। चलें ठीक है, मुझे आप अगर उसके अंदर कोई मुआहिदा तर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, किसी सहाबी को भी नहीं कतल किया किसी कबीले वाले ने, और इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ये बिहेव किया, तो प्लीज मुझे इसकी हदीस शेयर करते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि उनके लोगों के कबीलों पे जाके अटैक किया गया, तो आप ये किस बेस पे बोल सकती हैं कि औरतें लड़ने आती थी? वो तो कहीं गए नहीं, वो तो अपने मोहल्ले में ही बैठे रह गए, उन पे जाके अटैक किया गया है। आपको कैसे पता कि पिछली किसी जंग में या कुछ भी हो जाए उनकी खवातीनों ने हिस्सा नहीं लिया उसमें? आपको कैसे पता? नहीं, अब 7 जन्म, अरे सुनिए, 7 जन्म पहले अगर मतलब हाँ 7 जनरेशन पीछे उनके कोई परदादा अगर लड़ने परदादी लड़ने गई होगी तो उसका मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त की जो मौजूदा की बात हो रही है, गई होगी ना तो परदादी को ही लिया जाएगा। हाँ, तो परदादी को लेना चाहिए था ना, तो ये मत बोलिए पिछले टाइम में कभी ऐसा हो कभी वैसा हुआ होगा। उस अगर वक्त की जो अगर उनके मर्दों ने खुद अपनी बीवियां वगैरह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सहाबा को बेची हैं तो ये एक अलग मसला है। इसके अलावा बेचने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के पास ये बात आती कहाँ से है कि औरतें लड़ने आती थी, जबकि कबीला बनु कुरेजा, कबीला बनु मुस्तलिक और भी होंगे तुम्हें याद नहीं है, ये फिलहाल ये दोनों बातें सामने है कि इन पे जाके अटैक किया गया। एक सिंपल सी बात ये देखिए कि उन जंगों में मर्द ही, जैसे कबीला बनु मुस्तलिक पे हुआ कि सिर्फ मर्द मार दिए गए, बच्चे जिनके नीचे ऊपर के बाल नहीं थे उनको छोड़ दिया गया, औरतें छोड़ दी गई। अब अगर कोई जंग लड़ने आ रहा तो कैसे इतनी सफाई से कर रहे थे भाई कि औरतें बच गई और वो छोटे बच्चे बच गए और मर्द मार दिए गए सारे, इतनी सफाई? बात ये है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी सहाबी थे उधर उनके घर या उनके कबीले पे अटैक करने गए, ठीक है, मर्द आए, उन्होंने दिफा किया, ठीक है, वो मारे गए या उन्होंने जंग जीत लिया, जो भी हुआ वो मारे गए। जब वो और अंदर घुसे तो खवातीन वहां पर, हालांकि आपका क्वेश्चन कुछ और था लेकिन मैं आपको जवाब इसका ये दे रही हूँ क्योंकि आपने उसको तोल में तोल करके कुछ और बना दिया, तो मैं आपको इसका जवाब ये दे रही हूँ कि जहाँ जब वहां पे खवातीन मौजूद थी या बच्चे कुछ ज्यादा बड़े थे या कुछ इस तरह थे कि वो बालिग थे या कुछ भी था सिस्टम, तो चलो वहां पे बच्चे थे, उसके बाद वहां पे जो खवातीन थी उन्होंने अपना किसी भी तरह से उन्होंने उन लोगों को मारने की या किसी तरह से उनको कुछ करने की कोशिश की है जिसकी वजह से उनको बंदी बना लिया गया। तो आप मुझे बताएं कि एक जगह पे जंग लड़ी जा रही है और वो लोग जंग जीत चुके हैं और कल्चर ये है, बेस्ड ये है, लड़ी जा रही है जंग और जीत चुके हैं, और वहां पे जब अंदर जाते हैं तो क्या खवातीन अपने बचाव के लिए उनके ऊपर वार नहीं करेंगी? एक लॉजिकल सेंस है। हाँ, तो वो सेल्फ डिफेंस हुआ ना, अब उसकी पनिशमेंट थोड़ी मिलनी चाहिए। डिफेंस, एक सेकंड, जब इस्लाम में ये मुद्दत तो इसमें कम से कम, सुनो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम ये तो झूठ ना बोलिए कि वो लोग लड़ने आती थी। जब किसी के मोहल्ले में अटैक करने जाओगे तो क्या अपने खवातीनों को ननिहाल भेज देंगे पहले ही, वो भी अचानक में? ननिहाल भेजने है ही नहीं इस बात की, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वहां पे हुआ है, और जब वो लोग उस कबीले पे अटैक कर रहे होंगे, अरब का कल्चर ये था, वहां पे ऐसा हुआ करता था, और दूसरी बात ये जब वहां पे अटैक होगा उसके मर्द जो हैं वो, आप जंग जीत गए तो खवातीन डिफेंस करने आएंगी आएंगी, वो मारेंगी मारेंगी। हाँ, तो ये मत बोलो कि क्या नाम है, अटैक करने आती थी ये, वो लोग डिफेंस करती थी।
आपको पता ही नहीं कि बनू कुरैज़ा या दूसरे कबीलों ने क्या किया होगा, किस बेस पे जंग, आपको जानना ही नहीं है। एक मिनट, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एक मिनट सुनो मेरी आप बात। औरतों का जवाब नहीं दिया। चले मुझे एक बात बताया, आपको मैंने औरतों के हाँ, लिए जवाब नहीं दिया, कोई नया सवाल ना पूछिए, जवाब दे चुकी हूँ मैं आपको। नहीं जवाब दे रहे ना आप। आपने शुरू ये बार बार झूठ मैं बोला आपके कि साथ अटैक तो ना उनकी करूँ, अटैक तो ना, अटैक मैं नहीं करती। चले डिफेंस के तौर पे उन्होंने उनके ऊपर वार किया, चले हाँ माफ तो अब किया। डिफेंस भी ना करें। डिफेंस भी ना करें, हाँ डिफेंस उनके करें मोहल्लों पे जाते। सुनो लेकिन सुनो बात, ऐसा जनाब नहीं कि मैदान बात जंग में सुनो ना, मुलाकात हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैदान जंग में मुलाकात हो रही है, उनके मोहल्ले पे उनके कबीले पे अटैक किया जा रहा है। जाहिर सी बात है पूरे कबीले को इस चीज का इलम है कि कैसे जंग होती थी, कैसे लड़ा जाता था सारा कुछ। तो उन खवातीन को ये चीज का इलम नहीं होगा कि आपने मतलब उनके ऊपर वार या उनको मारने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा जी, मेरा सवाल इसमें कहाँ गया? कबीला जी बताएं, बनू मुस्तलिक, कबीला बनू कुरैजा, उनके तो मर्द भी लड़ने नहीं आए थे, उनके कबीलों पे अचानक अटैक किए गए हैं, ये अचानक बात अटैक। आप मैं आपको कब से एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपको मखसूस कबीले का नाम नहीं लिया, आपको कब से ये अचानक नहीं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं तो मखसूस कबीले का, मैं तो स्पेशल कबीलों का नाम ले रहा हूँ ना, कि चल उनके तो आप मर्द कभी कबीलों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको पिछला आंसर दिया है ना, ये मोहल्ले वाला घुसने वाला ही दिया है, ठीक है? ये आप उस वही सवाल उसका आंसर आप यहाँ पे फिट कर लें, क्योंकि मैंने आपको वो सवाल का जवाब उसी आंसर के बेस पे दिया। आप बाद में बोल रही हैं कि डिफेंस में लड़ी होंगी, बाद में उनके मर्दों को मारने के बाद जब उनपे गए होंगे कब्जा करने, डिफेंस में लड़ी होंगी, ठीक है, डिफेंस की बात नहीं। आपने कहा था उनकी औरतें जो जंग में लड़ने आया करती थी, आपने ये बात बोली थी? नहीं बोली थी? बोली हाँ जी बिल्कुल बोली थी। थी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमानदारी पे, मैं खुश हुआ। मुगेम्बो नहीं हूं तो क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपने, आप देखो बीए में 10 साल से देखता आ रहा हूँ, पहले भी देखता था, लेकिन पहले मैं सिर्फ अकीदे पे चलता था, तो मैं सब गौर करता नहीं था। 10 साल से मैं हर सवाल पूछता आ रहा हूँ कि भाई आप लोग ये बात बोलते कहाँ से हो कि उनकी औरतें लड़ने आया करती थी साथ में? क्योंकि ये बात जो है वो आप, मैं खुसूसन किसी यहूदी की बुक उठा के तो मैं आपको नहीं दे सकती रेफरेंस, ठीक है? कि ये देखें, ये यहूदियों ने जंग लड़ी, ये ली वो ली। मैं आपको इस्लाम अरे से ही रेफरेंस, ठीक है? इस्लाम और दीजिए ना मुझे आप। इस्लाम से रेफरेंस इस चीज का ये निकलता है कि जो खवातीन, जो मर्द हजरात खवातीन वहां से सहाबा इकराम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में जाते थे, वहां पे जो माल गनीमत में ही, माल गनीमत मतलब जो जंग के बाद वो माल समेटते थे, जो वहां पे खवातीन मौजूद होती थी वहीं से लेके आते थे, इस बात का वहीं से अंदाजा होता है कि उन्होंने उनको वहां से लाए हैं, जंग के बाद उनको वहां से पकड़ा है, मैदाने जब वो मैदाने जंग में आई थी। जी, तो भाई मैं तभी तो मैं आपको बाकायदा नाम लेके बोल रहा हूँ ना, ये वो लोग किसी मैदान में इकट्ठा नहीं हुए थे, उनके कबीलों पे अचानक में अटैक इकट्ठा किया गया। होना किधर से, मतलब कौन सी शर्त है कि मैदान में इकट्ठा हो गई तो जंग होगी? जब आप ये बोलते कि लड़ने आए हुए थे, एक मिनट, जब आप ये बोलते कि लड़ने आए हुए थे, इसका मतलब वो अपना घर वर छोड़ के, चाहे वो मतलब अपना पूरा कबीला छोड़ के, चाहे कुछ लड़ाई तब आए, लेकिन जब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने डेली लाइफ में बिजी हैं, उस पे अपने ये बात। घरों में अपनी अपनी डेली लाइफ में बिजी लोगों ने मुआहदा तोड़ा है, या फिर उन्होंने किसी सहाबी को पहले कत्ल किया है जो अब वो सुकून आराम से वहां पर मुआहदा बैठे तोड़ा हुए हैं। होगा, एक मिनट, मुआहदा तोड़ा होगा या डाका डाला होगा, कोई मेरा वो इश्यू नहीं है। जब आप ये बोलती हैं कि औरतें उनके जनाब साथ जंग में लड़ने आया करती थी, उनको पता हो यार जाता था। को मैं समझाऊं मेरी बात सुन, अब एक मिनट, लड़ना बेस जो है ना वो लड़ना है, एक होती नहीं है दो, एक सेकेंड, दो तरह की जंग है, ठीक है? एक तो जो दोनों तरफ से उनको भी पता हो जंग हो रही है, आपको भी पता हो जंग हो रही है, वो भी प्रिपेयर होके आ रहे हैं, आप भी प्रिपेयर होके आ रहे हैं, वो बकायदा एक जो है वो उसके अंदर हुई है, मैदान में हुई है, ठीक है? एक वो जंग, दूसरी जंग, थमा कलम, दूसरी जंग ये कि एक ऐसी जंग जिसमें जो लोग थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुआहदा किया पहले और उसको तोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो धोखा किया, ठीक है? और वो बात, या फिर किसी सहाबी का उन्होंने कत्ल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, उनको वक्ती कोई जवाब नहीं दिया, ना मुआहदा तोड़ने का ना।
उसके बाद जब वो आराम सुकून से चले गए या अमल करके, उसके बाद जो ये हुआ ना अमल, उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर तैयार करके जंग के लिए उनके कबीले पे भेजा, वो जंग लग जंग। अब आपको समझ में उस में जो बात उस जंग में, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लड़, जब हमला हुआ तो डेफिनेटली मर्दों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ किया ही होगा ना, वहां तो मारा ही होगा उसने। उन्होंने जो भी किया वो जंग जीत के, तो ये लॉजिकली बात है कि खवातीन ने अपने डिफेंस के लिए वार उनके ऊपर करना ही करना है। हाँ, तो वो लड़ने तो नहीं आती थी, एक मिनट मैं क्या बता रहा हूँ, आप किसी भी जाके अगर अटैक कर रहे हो, वैसे जो एक सेकंड अटैक जो बेस है ना, अटैक बेस या सपोर्ट बेस के, वो उन मर्दों को सपोर्ट कर रही हैं जिन्होंने उनको कत्ल किया या कत्ल का इरादा रखते थे, और उनके साथ या उन्होंने खुद वार किया उनके ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, ये पॉइंट इस बेस पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रही थी कि लड़ने आया कर, मैं आपका ये पॉइंट वेट करती हूँ क्योंकि मैं आपको 1.5 घंटे से ये बात समझा रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रही। आए 1.5 घंटे हुए हैं, अभी सब्र कीजिए, इन अल्लाह मा साबरीन। मैं जो है सुबह से जागी हूँ आपके स्क्रीन की वजह से, और आपको मैं 1 घंटे से एक बात कह रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रही। आए हुए मुझे 1.5 घंटे हुए, लेकिन छोड़ो, मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मुझे कितने देर हुए आए, वो छोड़िए, वो मेरा मुद्दा नहीं है ना। मैं तकरीबन काफी टाइम से बहस कर रही हूँ, तो आप प्लीज, आप भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका मैं जवाब दे चुकी हूँ। बोला जा रहा है 10 साल से लड़ने आया करती थी, अभी आप अगर किसी के घर पे अटैक करने जाओगी बख्तर बंद तैयार होके, किसी के घर पे उनके घर पे अटैक करने जाऊंगी, इतना पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो नहीं दिख रहा, मुआहिदा तोड़ा या कोई रीजन? मैं बता रहा हूँ, मुआहिदे मर्दों से हुआ करते थे, मुआहिदे मर्दों से हुआ करते थे, जंगे मर्दों से हुआ करती थी। और जब उनको पता है कि ये गजवा बदर, गजवा उहद वगैरह हो चुकी है, उनको पता है कि लड़ने का क्राइटेरिया क्या है, मुसलमानों के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, खवातीन को क्या जरूरत पड़ी उनके ऊपर अटैक करें? नहीं, अरे यार, हद है, किसी के घर पे अटैक कर रही हूँ, घर में जो लेडीज़ हैं, अगर वो बीच में पड़े भी, उनको पता था कि वो खवातीन को टच नहीं करेंगे, पता था उनको ये बात। अच्छा जी, गजवा बदर, गजवा उहद हो चुकी थी, पहले कई जंगे हो चुकी थी, उनको पता था कि किस तरह लड़ती है मुसलमान, किस तरह लड़ी जाती है, वो सारी जंगे किस तरह लड़ी जा रही थी। यानी आप इस चीज को एक बार इस चीज को इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे अगर कोई अटैक करने आ रहा है, घर के मर्दों ने कोई बदतमीजी पहले की है और आराम से वो घर आके बैठ गए, और मेरे जो बदतमीज मर्द है उनको मारने के लिए कोई आ रहा है, तो और मुझे पता है कि ये मुझे टच नहीं करेंगे अगर मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे पता है ये चीज, लेकिन मुझे बनना है 30 मार खान, मुझे उनको मारना है, ठीक है, उनको उनके सामने उनके बाप भाई को काटा जाए गाजर मूली की तरह, मतलब खुद की तरह खुदगर्ज समझ रहे हो हर किसी को, खुद की तरह खुदगर्ज समझ रहे हैं हम किसी को खुदगर्ज के, ये जो आप मुझे किसी भी ना रिलीजन के जंग के जो होते हैं ना वॉर के, वो मुझे रूल्स और रेगुलेशन ला के दिखा दे, कोई रिलीजन जंग और वॉर के रूल्स और रेगुलेशन भी देता है? नहीं नहीं, इस्लामिक वाले में तो जंग के रूल्स थे ही नहीं, जिसपे अटैक कर दो बस वही रूल हो गया, अटैक कर दो वही रूल है, नहीं जी भाई, अलहदा से रूल्स नासिल हुए हैं, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूल्स और रेगुलेशन की बेस पे गजवा बदर और गजवा उहद वगैरह हुई है। रूल्स नाजिल हुए कह रही हो, रूल्स रेगुलेशंस मैदान के लिए हुआ करते थे, अगर किसी के घर पे अटैक करने जा रहे हो तो वहाँ अगर कुछ 2 साल लग रहा के पहले हुआ है, उनके मर्दों ने कुछ किया है, उसके बाद वो घर आए हैं, खवातीन को पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनको उनको कोई जरूरत नहीं है कि बीच में 30 मार खान बनने। अरे यार साहिल भाई, जरा इन पे दोबारा 31 59 पेश करो यार, ये लोगों को बार बार वो हदीस पेश करनी पड़ती, पेश करो तो जरा, तो